हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वाद्य यंत्र वाला टॉपिक। ठीक है, वाद्य यंत्र होते हैं चार तरीके के। तत्व, यानी कि इसमें तार हो, सुषिर फूंक से बजाए जाने वाले, अवनद या ताल यानी कि चमड़े से मढ़े हुए लोकवाद्य, जैसे नगाड़ा हो गया, डमरू हो गया, ढोलक हो गया, और घन क्या होते हैं, जो धातु से बने हुए होते हैं। दोबारा बताता हूँ, तत्व मतलब तार से, जिसके अंदर क्या हो, तार हो, सुषिर में फूंक से बजाए जाने वाले, अवनद या ताल में चमड़े से ढके हुए लोकवाद्य, और घन से धातु से निर्मित, जैसे मंजीरा हो गया, झांझ हो गया, खड़ताल हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्ववाद्य यंत्र, मतलब इसकी उत्पत्ति किससे, स्वरों की उत्पत्ति हुई है तारों से, किससे, तारों से। ठीक है, सबसे पहले है इकतारा। सबसे पहले क्या है, इकतारा। इसका संबंध नारद जी से है। ठीक, देखिए ये रहा इकतारा। ठीक है, डायग्राम में आप इमेज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, दूसरा है सारंगी। दूसरा क्या है, सारंगी। देखिए ये सारंगी है, यह तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सागवान की लकड़ी से बजाया जाता है। किससे बनाया जाता है, सागवान की लकड़ी से। इसका सर्वाधिक उपयोग लंगा जाति के कलाकार करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। कौन जाति के, लंगा जाति के। अगला है रावण हत्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस यहीं से ज्यादा। देखिए इमेज, देखिए रावण हत्ता की, ये है आपके सामने रावण हत्ता। ठीक है, देखिए यह नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर, इसमें 7 से 8 तुरपे होती हैं। ठीक है, इसके गज में घुंघरू बंधे होते हैं, और मुख्य रूप से कौन बजाते हैं, बाबूजी के भोंपे। ठीक है, बाबूजी की फट जब वाचन करते हैं ना, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, रावण हत्ता का। अगला है कामायचा, देखिए इमेज कामायचा की, ये रही इमेज। ठीक है, यह भी सारंगी के समान है, लेकिन कामायचा क्या है, यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है, और कामायचा को बजाते कौन है, मांगनियार जाति के कलाकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ। अगला है तंदूरा, देखिए तंदूरे की इमेज। इसे निशान, बैनो, तंबूरा या चौतारा भी कहा जाता है। यह तानपुरे या सितार के समान होता है। बजाते समय अंगुलियों में क्या पहना जाता है, मिजराब। ठीक है, अगला है जंतर, देखिए जंतर ये रहा इमेज में, देखिए आप। ठीक है, यह वीणा के समान होता है। इसे गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फट बाजते समय इसको बजाते हैं। किसको, जंतर को। अगला है भपंग, यह डमरू की आकृति से मिलता जुलता है, यह तुम्बे से बना होता है। इमेज देखिए इसकी, ये भपंग है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है इसमें, अलवर जिले में जोगी जाति के लोग अधिक बजाते हैं, और इसके प्रमुख वादक है जहूर खान मेवाती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उमर फारूक। अगला है रबाज, यह भी कामायचे के समान होता है। इमेज देखिए इसकी, ये रही, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें गज काम में नहीं लेते। अगला है रबाब, इसमें 4 तार होते हैं, और मेव क्षेत्र के भाटों का वाद्य यंत्र है, ये देखिए रबाब। अगला है चिकारा, चिकारा की इमेज देखिए, यह कैर की लकड़ी से बना होता है। ठीक है, एक सिरा प्याले के आकार का होता है। अगला है सुरिंदा, सुरिंदा बना होता है रोहिड़ा की लकड़ी से, ये देखिए ये है सुरिंदा। ठीक है, इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता। इंपॉर्टेंट क्या है, इसे गायन के साथ बजाया नहीं जाता। अगला है दुकाको, इसे घुटनों के बीच में बैठकर दबाया जाता है, बीच में दबाकर बजाया जाता है। भील जाति के लोग दिवाली के अवसर पर इसको बजाते हैं, देखिए ये है, यह दुकाको। अगला हम देखेंगे सुषिर वाद्य यंत्र, सुषिर मतलब जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता हो। पहला है इंपॉर्टेंट इसमें अलगोजा, ये क्या है, अलगोजा। देखिए इसकी इमेज देखिए आप, ये देखिए इमेज। ठीक है, यह क्या है, राज्य का वाद्य यंत्र है। यह दो अलगोजे मुंह में रखकर बजाया जाता है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है, तो टोटल कितने छेद हो गए, 8 छेद। जयपुर का कलाकार इसमें रामनाथ चौधरी, यह नाक से बजाता है इसको। भील व कालबेलिया जनजाति मुख्यतः बजाती है। अगला है बांसुरी, बांसुरी में छेद कितने होते हैं, 7 छेद होते हैं, ये देखिए बांसुरी। इसके कलाकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया, भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है। अगला है शहनाई, ये देखिए शहनाई। इसका आकार चिलम के समान होता है। ये शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 8 छेद होते हैं।
इसे सुंदरी भी कहा जाता है। इसके कलाकार हैं बिस्मिल्ला खान, भारत रत्न बिस्मिल्ला खान। अगला है पुंगी, ये देखिए इमेज पुंगी की, ठीक है। यह लौकी के तुंबे की बनी होती है, इसमें सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसे सबसे ज़्यादा कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। अगला है शंख, देखिए ये रहा, यह एक जंतु का कवच है जो समुद्र में पैदा होता है। अगला है सिंगी, ये देखिए ये सिंगी है आपकी, इमेज ध्यान रखिए बस, ठीक है। अगला है बांकिया, यह पीतल का बना बिगुल की शक्ल का होता है, ठीक है। इनके सिर्फ नाम ध्यान रखिए कि कौन सा तत्स्य है, कौन सा अवरुस्य है, कौन सा घन से है, कौन सा सुषिर से है, ठीक है। अगला है मशक, यह बकरी के चमड़े की बनी होती है, इसमें एक मुंह से हवा भरते हैं और दूसरे दो नालियों से हवा निकलती है। इसे भैरू जी के भोपे बजाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह है मशक, कौन बजाते हैं, भैरू जी के भोपे। अगला है भूंगल, इसे बोलते हैं रणभेरी, यह पीतल की लंबी नली की बनी होती है, युद्ध शुरू होने से पहले रण में बजाया जाता है। यह मेवाड़ में भवाइयों का प्रमुख वाद्य है। क्या नाम है इसका, भूंगल या रणभेरी, देखिए ये रहा इमेज, देखिए आप देखा होगा अपने युद्ध में बजाते हैं इसको, इसको बोलते हैं भूंगल या रणभेरी। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, सतारा। नाम से तो लग रहा है ये तत् है क्योंकि पीछे तार आ रहा है, लेकिन है क्या ये, यह है सुषिर, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। सतारा क्या है, सुषिर वाद्य यंत्र है। इसमें दो बांसुरियाँ होती हैं जिन्हें एक साथ फूंक कर बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में गडरिये मेघवाल तथा मुस्लिम बजाते हैं, देखिए ये रहा सतारा। अगला है नागफनी, नाम से ही पता लग रहा है, देखिए ये रहा नागफनी। अगला है नड, सिंधी संस्कृति का इस पर पूर्ण प्रभाव है, इसका प्रसिद्ध कलाकार है करणा भील, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। नड का कलाकार कौन है, करणा भील, देखिए ये है नड। अगला है मोरचंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरचंग कौन सा है, मोरचंग है सुषिर वाद्य यंत्र, ठीक है। ये लोहे का बना होता है, लंगा गायक सतारा या सारंगी की संगत में इसको बजाते हैं, देखिए ये है मोरचंग, ठीक है। आगे देखते हैं करणा, करना है जो इसकी, देखिए इमेज, ये करना। तुरही, ये पीतल की बनी होती है, इसकी इमेज देखिए ये रही। मुडला या मुडली, ये पुंगी का परिष्कृत रूप है, ये देखिए। अगला है सुरनाई, यह भी किस किस तरह से होता है, ये शहनाई के समान होता है। मांगनिया जाति द्वारा विवाह वे मांगली अवसरों पर बजाते हैं, देखिए ये रहा। अगला जो देखेंगे वो है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, यह चमड़े से बने होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। सबसे पहला है ढोल, ये देखिए ढोल सबने देखा होगा, फिर ढाक, देखिए ये रहा, फिर ढोलक, ये भी सब जानते हैं। तो मतलब जिनके ऊपर चमड़ा लिपटा हो ना उसे बोलते हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। फिर है डमरू, इसके छोटे रूप को बोलते हैं डुगडुगी। फिर है डैरू, ये रहा। मृदंग या पखावज, देखिए ये भी रहा। मांदल इंपॉर्टेंट है, मांदल अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। यह शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है और मोलेला राजसमंद क्या है इसके लिए प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट है ये चीज, देखिए इसमें इसकी इमेज इसमें है नहीं, ठीक है। अगला है पाबूजी के माटे, देखिए ये रहे मिट्टी के बर्तन की तरह के हैं ये। अगला है डफ, देखिए ये रहा डफ, खाल होती है बकरे की, इस पर। अगला है नौबत, ये देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा और महलों के मुख्य द्वार पर होता है। अगला है नगाड़ा, ये देखिए। अगला है चंग, चंग ये रहा। खंजरी, खंजरी की इमेज देखिए, देखिए ये खंजरी की इमेज है। अगला है धोसा, ये भी क्या है अवनद। अगला है ताशा, देखिए ये रहा ताशा। फिर है दमामा या टामक, ठीक है, यह मुख्य रूप से युद्ध के वाद्यों के साथ बजाया जाता है। अगला है घेरा, ये भी क्या है अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। अब देखते हैं घन वाद्य यंत्र, यानी कि जो किससे बने हो, धातु से बने हो। सबसे पहले है मंजीरा, यह पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का बना होता है। कामड़ जाति की महिलाएं तहरे ताली नृत्य करते समय बजाती, हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, कब, रामदेव जी के समय, ठीक है। ये देखिए मंजीरे, झांझ, यह मंजीरे की बड़ी आकृति, और कब बजाया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय, ये देखिए। थाली ये रहा, और कब प्रयोग की जाती है, चरी नृत्य के समय। चिमटा, जानते हैं सब चिमटा को, ये रहा। घंटा या घड़ियाल, मंदिरों में देखा होगा, देखा ये रहा, ये धातु से बनाया ना इसलिए से घन बोलते हैं। अगला है झालर, ये देखिए ये रहा,
सुबह शाम आरती के समय बजाया जाता है इसको मंदिरों में। अगला है भरनी, ठीक है, घड़ा मिट्टी का बना होता है, ठीक है। करताल, ये रहा देखो हाथों में रखकर बजाया जाता है करताल को, खड़ताल। खड़ताल का देखिए प्रसिद्ध कलाकार था स्वर्गीय सद्दीक खान मांगनियार, यह है खड़ताल, ये करताल और ये खड़ताल। रमझोल इंपोर्टेंट है वाला, रमझोल भी क्या है घन वाद्य यंत्र, रमझोल भी क्या है घन वाद्य यंत्र, ठीक है। होली के अवसर पर गैर नृत्य करते समय लोग इसको बांधते हैं घुरालियो, यह कालबेलिया और गरासे जाति के प्रमुद वाद्य यंत्र है। अगला है घुंघरू, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इनकी इमेज दिमाग में रखिए और इस चीज़ को नोट करते जाइए जहाँ पे भी आप अटक रहे हों। सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, जहाँ मैंने बोला है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मतलब वो प्रेशर के क्वेश्चन है आए हुए, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।